हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आप को किसी डीप सोल कनेक्शन में या लव कनेक्शन में पाते हैं या एंटेंगल्ड पाते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, चाह के भी दिमाग से नहीं निकलता ये पर्सन, तो उनकी और आपके बीच में क्या चल रहा है माइंड्स, हम रीडिंग करेंगे माइंड और हार्ट, और फिर उसके बाद में हम रीडिंग करेंगे कि व्हाट दे वांट टू टेल यू। 3D एनर्जी, 5D एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स चेक उनके व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, वैसे मैंने 9 of Swords कार्ड देखा है, बहुत टेंशन है माइंड में, तो विचारों के ज्वार आए हुए पड़े हैं एक के बाद एक, ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, या तो आपको लेकर हो सकती है या किसी और को लेकर हो सकती है। 10 of Pentacles, Ace of Pentacles एंड ओके, मोस्ट पॉसिबली इस पर्सन के माइंड में एक हैप्पी फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी उधेड़ बुन चल रही है। 10 of Pentacles, Ace of Pentacles एंड 2 of Pentacles, ये व्यक्ति आपके साथ में अपने आप को एक फुल एंड कंप्लीट लाइफ में देखता है, आपको अपना डिवाइन पार्टनर या डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड पार्टनर की तरह देखता है। यू आर हिज कंप्लीट फुलफिलमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है दिमाग और दिल और दिमाग के बीच में। और जब भी ये सोचने लगते हैं आपके विषय में कि आपको कुछ ऑफर करें या आपके साथ एक नई शुरुआत करें, तुरंत ही इनका माइंड कंफ्यूज में आ जाता है, ये जगल करने लग जाते हैं कि ये 10 of Pentacles, ये लाइफ टाइम ऑफर, ये लाइफ टाइम पार्टनरशिप, ये किसको ऑफर करें, ये आपको ऑफर करें या किसी और को ऑफर करें। हो सकता है ये एक समय में दो लोगों से डील कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनको पता है कि इनका फुलफिलमेंट कहाँ पर है, उनको ये भी पता है कि यू आर अ डिवाइन गिफ्ट टू हिम, लेकिन स्टिल ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज इन हिज माइंड। ऐसा भी पॉसिबल है ये व्यक्ति ऑलरेडी पहले से मैरिड है और इसको थोड़ा सा ये नैतिक यानी कि मॉरल लेवल पर यह कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर मेरी लॉयल्टी मेरी फैमिली के प्रति बनती है, मेरी लॉयल्टी मेरी फर्स्ट मैरिज के प्रति बनती है, और बाहर मेरे बारे में क्या बात होगी, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, या मेरे बच्चों पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। और जब भी ये इन सब चीज़ों को ख्याल करते हैं तो आपको ऑफ़र देते हुए रुक जाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी इनको कुछ समय और वेट करना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन में है और ईश्वर से और क्लैरिटी पाना चाह रहे हैं, थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा और कुछ क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा और कुछ कहीं से सिंक्रोनिसिटी मिले, कहीं से और कुछ आइडिया मिले कि वास्तव में मुझे किसको चुनना चाहिए, वास्तव में मुझे किसके साथ होना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है। व्हाट एल्स, इनके माइंड में क्या चल रहा है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है, क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है, और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है, और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें, तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा सुना पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। न सिर्फ ये, व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। 6 of Cups कार्ड, जैसा मैंने बताया कि ये डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, आपके साथ एक हैप्पी यूनियन चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, आपको अपोलॉजी भी देना चाहते हो शायद
किसी चीज़ को लेकर कि आई एम सॉरी मैं आपको ये चीज़ पहले नहीं दे पाया, समथिंग लाइक दैट. कार्ड्स उड़ते जा रहे, गिरते जा रहे हैं, ये अपने ग्राउंड पर फर्म नहीं है. मैंने बोला ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर या तो आप इनके साथ वर्क प्लेस पर काम करते हों, ये पॉसिबल है आप कुलीग हों आप इनके, या फिर इनकी जो वाइफ है या इनके जो स्पाउस है वो आपके साथ में काम करते हो, इनका आपका एक फैमिली रिलेशन हो सकता है. आपकी फैमिली और इनकी फैमिली एक दूसरे को जानते हैं और ये चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है कि ये रिलेशन इतना ज़्यादा फैमिलियर है और ये एक सीक्रेटिव रिलेशन है. वो डेफिनेटली इट इज़ अ थर्ड पार्टी रिलेशन एंड इट इज़ अ सीक्रेट रिलेशन. मोस्ट पॉसिबली इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपके साथ के अपने रिलेशन को अपनी फैमिली से छुपा के रखा है एंड कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ के एक्सपोज हो जाने का डर है फैमिली में, सोसाइटी में, वो मैंने अभी भी आपको बोला था. एंड इसलिए नाइन ऑफ वांड्स, इसलिए बहुत संभल कर कदम रखना चाहते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहते जिसके रेपरकेशन आ जाए, जिसके कोई बैड इफ़ेक्ट इनकी पर्सनल लाइफ पर पड़े. हालांकि इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ये खुद को काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं, खुद से काफ़ी अपने ही आप को ओवरथिंकिंग में फंसाए हुए हैं. एक तरफ इनको आप नज़र आते हैं, एक तरफ इनको अपनी फैमिली या सोसाइटी नज़र आती है, एक तरफ इनकी सोशल प्रोग्रामिंग है जो इनको बताती है कि इनको बंधे बंधाए सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, एक तरफ आपका प्यार है अनकंडीशनल लव जो इनको अपनी तरफ खींचता है और ये टीयर डाउन हुए जा रहे हैं. आप दो चीज़ों के बीच में, दो पैटर्न के बीच में बचा रहा ना कोई, इस तरह की इनकी थिंकिंग हो रखी है. टीयर अपार्ट हो रहे हैं, एक हिस्सा इनको आपकी तरफ खींचता है, एक हिस्सा इनको अपने ओरिजिनल पुरानी जो लाइफ की प्रोग्रामिंग है जो दुनिया ने सिखाया है, दुनियादारी ने के हिसाब से जो सही है उस दिशा में ये जाने के बारे में कोशिश करते हैं. आपकी तरफ वाला जो हिस्सा है वो उनको पता है इट इज़ अनकंडीशनल लव, वहाँ पर मुझे सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है. यहाँ पर बहुत तरह के मैन्युपुलेशंस हैं, टॉक्सिसिटी है. आप देख रहे हैं कि जैसे किस तरह से ये जो इंसान है ना, ये यहाँ पर खड़ा हुआ इस साइड पर है, यानी कि फिजिकली दिखने में लगता है कि ये इस साइड पर है लेकिन अगर इसकी नज़र उस साइड पर है. सी, ये फिजिकली इस तरफ प्रेजेंट है लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये मेंटली कहाँ है, इसका दिमाग पूरी तरीके से उस दिशा में लगा हुआ है जहाँ इसका प्यार है, जहाँ इसका सुकून है. वो मैंने कहा था ना, मैंने नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स देखा, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है. ये इंसान को कुछ पता नहीं चल रहा है मेरी लाइफ अब किधर जाए. ओ माय गॉड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन में है. इनको लगता है मेरी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है. हो सकता है कि इनकी तबीयत भी ख़राब हो, हो सकता है कि ये किसी तरह के ब्रेक पर हों और अभी इस वक्त में सभी लोगों से कटा फील कर रहे हों, डिप्रेशन से डेफिनेटली जूझ रहे हैं. अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए, शांत बनाए रखने के लिए और चुपचाप से इस सिचुएशन को गुजरने देने की जैसे ये वेट कर रहे हैं ऐसा इनके लिए लगता है. ओह माय गॉड, वॉट इज़ इन देयर हार्ट, इनके दिल में क्या चल रहा है, वॉट इज़ इन देयर. मैंने थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड देखा था, इनका हार्ट पूरी तरह से टूटा हुआ दिल है. वॉट इज़ इन देयर हार्ट, हार्ट वो होप. देखिए अभी भी कहीं ना कहीं ये अपने दिल में एक बहुत डीप लेवल पर इनको, इन्होंने आपको जो जगह दे रखी वो कहीं ना कहीं सुकून आपके बारे में सोच कर या आपके बारे में हाउ दे फील, ये अभी भी आपको इमेजिन करते हैं अपनी ड्रीम्स में, अपने रात में जब इनको नींद नहीं आ रही. ऑब्वियसली ये देखिए रात में जब इनको नींद नहीं आ रही है, सुकून पाने के लिए आंख बंद करके वो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दिल में जब आपका ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि तपते हुए रेगिस्तान में किसी ने गर्म रेत पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे उछाल दिए, पानी सुकून पहुंचता है इनको, आपकी थॉट से सुकून पहुंचता है इनको, आपकी बारे में सोच के सुकून मिलता है. द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, योर एनर्जी, योर मे बी आपका खुशबू, मे बी आपकी, और ये काफ़ी सारे सेक्सुअल थॉट्स भी इनके माइंड में आपको लेकर आते होंगे और ये फैंटेसी क्रिएट करते होंगे अपने माइंड में, मतलब दिल में फैंटेसी क्रिएट करते होंगे कि क्या होता अगर वो मेरी लाइफ में होता. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कि वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता, वैसा कुछ। फाइव ऑफ कप्स, इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बोला कि डिप्रेशन के मरीज हैं, शिकार है ये डिप्रेशन के। हायरोफेंट स्पिरिचुअल लेवल पर कहीं ना कहीं हीलिंग मिल रही है, या किसी गाइड या किसी गुरु के अंडर में रहकर अपने इस दिल को संभालने की ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा सब कुछ क्यों हो गया, इन चीज़ों पर क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी, ओप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। पैशन अभी भी इनके दिल में आपके प्रति उतना ही है जितना कि पहले शुरुआत में कभी था। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इस सारी सिचुएशन में सक्सेस पाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि इनके दिल में अभी भी ऐसी इच्छा है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई ईश्वर का, किसी का आशीर्वाद मिल जाए कि बस मेरे, ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड, कि इनकी जो दुनिया है, जो कि आप हैं, वो किसी न किसी तरीके से इनको मिल सके और वो आपकी दिशा में आ सकें, फिर से आपको ऑफर दे सकें और फिर से आपकी दिशा में ये वापस आ सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ इनके दिल में चल रहा है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इनके पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस देखना चाहेंगे। ओ, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना फ्यूचर एक्शन, हो सकता है ये बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपको बात करें, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आपकी दिशा में आए, मिलने के लिए आए, मिलने के लिए बुलाएं आपको, क्वाइट पॉसिबल है। एकदम क्विकली मैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज लेना चाहूँगी, अगर ये आपको कुछ बोलना चाहते तो क्या बोलते। बैटरी लो है मेरे कैमरा की, फटाफट से जस्ट वन मैसेज। ये मैसेज कार्ड मेरे अपने बनाए हुए हैं, आप भी इनको अपने लिए ख़रीद सकते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया था ना, हाँ, इस तरह से है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अस, वो सेम कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कन्फ्यूजन का कार्ड। इनको श्योर नहीं है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कुछ गाना है ना, जाए तो जाए कहाँ, I can't reveal my secrets to, इनके दिल में क्या चल रहा है नहीं बता सकते आपको ना, क्योंकि फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। एक लास्ट कार्ड, यू आर माई ड्रीम गर्ल, आप सपनों की राजकुमारी हैं आप इनकी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपकी एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, आपकी एनर्जी क्या है, आपके मैसेजेस क्या है, इनके लिए नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं।
तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, सब खत्म हो गए। कहूँगी कि वो एक भक्ति की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाए, आप उनका कोर्स ले, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाई नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।